मार डुबकी मार। मैंने कुछ रन अपने अकाउंट से जब भी नहीं मेरे अकाउंट से ही फोटो नहीं कोई मेरे एक फोटो नहीं है तो फोटो ले ना भाई पहले नेट नहीं चलता जब मैं इसको बोलता हूं फोटो खींचे तो बोलती है गर्मी लग रही है बस बस एक गर्मी लग रही है देखो पसीना देखो अब मेरी एक फोटो भी ली एक फोटो खींच बस शो मैं नहीं एक फोटो खींचती मेरी आंखें बंद होती कहती होगी होगी अच्छी फोटो है बड़ी बड़ा अच्छा व्यू दिया मैं व्यू नहीं मेरी आंखें बंद होती है सुनाती हूं जा तू मम्मी के साथ मैं जा अंदर सर मम्मी के पास तोड़ देना मैंने फोन ये रखा था एक लाख रुपए देना फिर ओए हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वहां मेरी ट्रेन आ रही है तो मेरी कजन्स रिलेटिव्स वहां वेट कर रहे हैं मम्मा हाय कर दो हाउ आर गंगे सो हम ऊपर जा रहे हैं और जब ट्रेन आएगी तो आपको दिखाते हैं हम थोड़ी शूटिंग वगैरह कर रहे थे वीडियोस की सुनने में आया पीछे कुड़ी बोला कि ट्रेन आ रही है आने वाली है बस वेट करा रहे हैं पूरा ट्रेन आ गया फिर बोल के चूटा लंदन जाके वे कर गया ट्रेन आ गई है आपको दिखेगी बड़ी आवाज हमारे सो गाइस हेलो गुड मॉर्निंग आंखें बहुत सूजी हैं तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं हम पहुंच गए अभी हरिद्वार और आगे पता नहीं कहाँ जाना है यहाँ सुना है कि जम्मू यात्री निवास भी है जम्मू के जो आते हैं यात्री उनके लिए स्पेशल कोई कोटा है या पता नहीं यहाँ या कहीं रूम लेंगे सो आपको मिलते आगे और अभी घर वालों की हालत है कहाँ गए हो तुम चलो फिर आगे मिलते हैं बाय बाय आप इस टाइम कितनी भीड़ लगी है देखो कितने यात्रु आ रहे हैं आप सोचो सोचो कि कितना रश होगा हर बार यार अभी बाहर एग्जिट किया ना मतलब लगा कि सच्ची में देवों की नगरी में आए हैं हरि की नगरी में आए हैं क्योंकि ना देखो जैसे आप ये खूबसूरती है सामने ही शिव शंभू जी दिखेंगे आपको यार दिन बन गया सुबह सुबह ट्रेन से उठे हरा देखो मुखी और सामने जब उनको देखा ना यार नो वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जय शिव शंभू वाह यार सही था मैं ऑटो से बार्गेनिंग तो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो जनरल रेट हो मैं जो जैसे बोलते वैसे ठीक लगता है बट कभी कभी बार्गेनिंग करनी अच्छी बात होती है कभी कभी आपको एक्स्ट्रा भी बताया जाता है बट मैं इन चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं करती और मुझे पता है कि अभी ऑटो कोई बात फिक्स हो जाएगी कहीं पैसों की बात बन जाएगी तो फिर हम जाएंगे बाकी उनकी क्या बहस हो रही क्या नहीं आई डोंट केयर सो गाइज हम आ गए हैं जम्मू यात्री निवास जहाँ पे आपको खाली जम्मू लोग मिलेंगे जैन के एटीएम में मिलेगा ठीक है जी मैं आपको थोड़ा इसका व्यू दिखाती हूँ श्री दुर्गा जम्मू यात्री भवन एंड जैन के एटीएम ये लग रहा जम्मू से फिर आने अलग फील आया थोड़ा नया एंड वी आर एंट्रिंग ये बड़ा सही है यार आई लाइक इट सो अभी हम रूम वगैरह बातचीत करेंगे रूम्स लेंगे देन आगे की चीज़ें अलग कि इधर ना यात्री निवास है डोगरी बोलने वाले ना अच्छा लगता ना बड़ा अच्छा बिहेवियर बड़ा मज़ा आता है सो गाइस रूम हमने ले लिया रूम मिल गया हमें अच्छे रूम है और 3 बंदों के लिए बेडिंग है बेड भी इस तरह का है कि जो ट्रिपल जो हैं वो रह सकें तो मैं मम्मा और भैया हम तीनों ये रूम शेयर करने वाले हैं एंड इज डूइंग ब्रश सो प्लीज़ स्टे अवे सो अभी उसके बाद हम अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए एंड उसके बाद हम रेस्ट करेंगे उसके बाद आगे की चीज़ें आप देखते हैं आपको छोटे डाइनिंग टेबल मिलेंगे मम्मा और भैया खा रहे हैं आगे और भगवान जी का मंदिर आपको प्रसाद मिल रहा है हेलो कर दो ब्लॉग में कैसा लग रहा है लग रहा है यहाँ पे खाने का सिस्टम है सभी इतने शिष्टाचार के साथ सब बैठे हैं अब मेरी भी बारी है एक ही क्या है थोड़े से बिल्कुल थोड़े से
मेरी बारी खाने की। भगवान के सामने बैठे हैं और प्रसाद खा रहे हैं, फील ही लगा यार, ऐसा कभी नहीं खाया मैंने इस तरह से, बड़ा अच्छा लग रहा रूम में आ गई हूँ, खाना खाकर अब सोने लगी हूँ, थोड़ा सा बड़ा चक्कर हेडेक हो रहा है। सो अब देखते हैं जब उठा जाएगा कहाँ से शुरू करती हूँ। आप जुड़ रहिएगा सारे। अब होश नहीं आ रही, आँखें देखो, मुंह देखो अभी मेरा। मिलते हैं बाद में। हम लोग पहुँच चुके हैं हल्की पौड़ी। तो अभी जो मेरा भाई है भीरकोंडा, पता नहीं क्या नाम है, वो दूसरे ऑटो में आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी लस्सी की, मतलब जहाँ सबसे लास्ट में वही आते हैं। अब उनका वेट कर रहे हैं, फिर हम आगे जाएंगे, आपको थोड़ा बाजार का भी दर्शन कराएंगे। ओ भाई ओए, इससे कम ठंडा हमारे जम्मू में है। पूरा खड़ूर दरिया है। एक सौ एक डुबकी लानी है। 101 सारा बन रहा है। आप सारे ब्लॉग में आ गए हो। नहा के दर्शन किए हैं, भैया ने भी कर दिए हैं, अभी फ़ोन पर बात कर रहा है किसी के साथ। और अब क्या होगा कि अब जो ज़्यादा नज़ारा है ना वो शाम वाला, जब गंगा मैया की आरती होगी और जो गंगा का जो भाव है ना, पानी की गति है, जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएगी, एकदम विनम्र हो जाएगी, एकदम शांत हो जाएगी, वो चीज़ देखने वाली मेन यहाँ की वही होती है। सो
अब आपको मैं गंगा मैया की आरती ज़रूर बताऊंगी, और उसी के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं कि हम भी आरती में शामिल हों। और अभी हमने दिए लेकर उसको जलाकर उसको प्रवाह भी किया, उसको प्रवाह कर। अब हमने क्या करना है, वो रात को पूछा था, अब हम घूमेंगे बाजार में, कोई सस्ता सा सामान मिलेगा वो भी लेंगे सस्ता सा, और बाकी विल एंजॉय। बाकी जय गंगे मैया, जय गंगे मैया की। बहुत ही मस्त लगी भैया। इसको क्या किस लिए यूज करते हैं? क्या है ये, क्या होता है ये, क्या मतलब किस लिए? जल ले जाएंगे घर, जल जल। इसमें जल लेके कहाँ जाएंगे? ऐसे इसको लेके कैसे जाएंगे? पैदल अभी हम यहाँ पे ना कुछ खाने आए हैं, दूध और लस्सी मिले, अंदर चलते हैं बैठे लस्सी पीने के लिए। भैया पी रहा है, कैसी लगी मीठी लस्सी? हम दोनों की फेवरेट है, तो हम अच्छी बनी है। अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मेरे लिए भी बन रही है वहाँ पे। बाकी बंदे पीछे बैठे हैं, अपनी अलग ही मीटिंग कर रहे हैं। मीठी लस्सी मेरी भैया की फेवरेट है। की आरती शुरू होने, जिसके लिए हमें रश बहुत हो गया है, जाएंगे समय नहीं आ रही है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। गंगा मैया की यहाँ पे भीड़ बहुत सारी हो चुकी है, अब पता नहीं मुझे जगह मिलेगी या नहीं, कोशिश करते हैं। गंगा की जय हो। दिव्य आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे, जल्दी चलो जल्दी, समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हर मानकर अपनी दोनों हाथ उठाकर हमारे साथ पधारते हुए संकल्प ले, और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो संकल्प लेते हैं कि पति पावन, कि पति पावन माँ गंगा की, माँ गंगा की जल की, जल की पवित्रता हर हर शिव शंकर, हर हर शिव शंकर।
होने के बाद आरती लेना और उसमें सहयोग करना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती है जो हमने सुना है। सो ज़रूर आप आइए तो इस तरह से किया कीजिए। और इसके बाद मैं अभी जो है ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। हर हर गंगे और आरती का आशीर्वाद सब लीजिए और हर हर गंगे लोगों का घर फिल्मों में आता ना डॉल्स वो 500 रुपए कितने दिए 150 रुपये मारी 500 रुपये अंजलि चावली तो क्या चीज है ऑटो लाभ सू अज पैसे बड़े मंगा दे कोई ज्यादा मैं जाना जम्मू यात्री भवन अंकल भैया जम्मू यात्री भवन भैया जम्मू यात्री भवन क्यों भैया गीता कुटी चलो रे गीता कुटी चलो आज नहीं मिल रहा कोई ऑटो गाइस बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला था हमें तो हम पहुंच गए हैं जम्मू यात्री भवन और टाइम बहुत हो गया लेट हो गए अब हम जा रहे हैं। सो यस आ गया जम्मू यात्री भवन। गुड मॉर्निंग। सो मैंने भी ब्रेकफास्ट किया है और आज हमारा दूसरा दिन है और हम अभी रूम में जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना क्या नहीं। ऋषिकेश का प्लान है देखते हैं क्या होता है। हम जा रहे हैं ऋषिकेश। सो हम देखो कैसे अंदर एडजस्ट हुए। अभी हवा का नज़ारा काफी मज़ा आ रहा है। हम कहीं चले खाने कुछ नजर आया मम्मी को क्या खालो गाइस गाइस एक एक खालो बस ऊपर से ले लो गाइस अभी हम आ गए हैं ऋषिकेश। अभी हम जाएंगे यहाँ पे लक्ष्मण झूला राम झूला जानकी झूला सारा घूमेंगे और ट्रैफिक हरिद्वार के मुकाबले तो कम ही है लेकिन फिर भी ठीक है हो जाएगा आराम से दर्शन यहाँ पे। सो ये देखो बच्चा खाने का काम है इसका बस। ले आओ पानी पागल जय मेरे गुरुदेव जय गुरुदेव सब पे कृपा बनाए रखना गुरुदेव जी।
कैसे मैं मनाऊ रे, मेरा भोला ना माने, भोला ना माने मेरा शंकर ना माने, भोले को कैसे मैं मनाऊ रे, मेरा भोला ना माने। भगवान दरबार आए तो चलो अंदर नचने नुचने के चक्कर तो बही गए। कुछ विचार और सेवा ही जीव, सेवा ही जीवन की कुंजी है। बी द चेंज एंड ब्रिंग द चेंज, इफ वी सेट द डिवाइन एग्जांपल अदर विल फॉलो। गंगा बचेगी हम बचेंगे। इट्स टाइम फॉर वुमेन टू रेज एंड शाइन, इट्स टाइम फॉर देम टू बी एंड डू द चेंज दे वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जल ही जीवन का आधार है। हाँ 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 सुकून। हाय हाय स्वर्ग। तो भैया ने भी यहाँ से टी शर्ट ली है, आप बता लो कमेंट में कैसे लग रही है, थोड़ा बता पीछे जाके बता कैसे लग रही है। अच्छा लग रहा है, इंसान लग रहा है। मेरी बहन ने यहाँ पे कुर्ते की सेल लगाई है। मैडम यही यही दे रही है, कितने का ये मटका कुल्फी? हम बचपन में बड़ा खाते थे। मम्मी जा रही, मम्मी को काम था घर पे। मम्मा मम्मी घर का मंदा लगता, ज्यादा दिन रह नहीं सकते बाहर। मम्मी दी मैं जा रही हूँ, मैं फिर आना। तो शामली बाय। मैं इन्नी खुशी हो गई ना। भी जा रही नहीं कि मैं दोबारा। अच्छा ठीक है, ये तू कल जाई? अच्छा आपकी पिज्जे की दुकान पे जा रही आज इतना ही ब्लॉग में जो मैं बना पाई और अपनी तरफ से पूरी बताने की कोशिश की और गंगे मैया की आरती सबसे बेस्ट तो वही था। सो आई होप सबको माँ गंगे का आशीर्वाद मिल गया होगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपना प्यार देना। थैंक यू। हर हर गंगे, हर हर गंगे।